दोस्तों आज की इस वीडियो में कक्षा 12वीं का इंग्लिश का पूरा रियल क्वेश्चंस पेपर को देखने वाले हैं जो आज होने वाला है। और मैं बता दूं अभी अभी जस्ट 4 बजे सुबह 4 में ही पेपर लीक हो चुका है। पूरा का पूरा आंसर सहित मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। बस वीडियो को एंड तक देख लेना, ठीक है। मैं आपको बता दूँ वीडियो कभी भी डिलीट हो सकती है। आप लोग देख रहे हो फटाफट से देख लो, जितने भी भाई लोग देख रहे हो, ठीक है, वीडियो डिलीट हो जाएगी। और ठीक है तो चलो फटाफट से हम लोग क्वेश्चन को चलते हैं। ये आपका पैसेज हो जाएगा, पैसेज के बाद में आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा, पहले का सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। फटाफट से मिला लो और स्क्रीनशॉट भी ले लेना, ठीक है। स्किप नहीं करना है, स्किप कर दिए तो बाद में पछताओगे। दूसरे नंबर पे आप लोग का जाएगा, आप लोग देख सकते हो ए नंबर। तीसरे का आपका हो जाएगा, देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप लोग फटाफट से क्वेश्चंस को मिला लो, ठीक है, और पूरे क्वेश्चंस को अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो। 10 क्वेश्चंस दिए जाएंगे आपको। तीसरे का डी हो जाएगा, चौथे का डी, पाँचवें का बी और छठे का बी हो जाएगा, सातवें का सी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग चलेंगे दूसरे नंबर पे आ जाता है आपका नोट्स बनाने के लिए। इसका मैं सिंपल सा फंडा बताऊंगा, कुछ भी नहीं आता आपको ना, फिर भी 4 नंबर आप लोग ले के जाओगे नोट्स आएगा। तो क्या करना है, सबसे पहले आपको देखो अभी पैसेज तो शुरू नहीं हुआ है, पैसेज कहाँ शुरू हो रहा है देखो मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले एक लाइन आपको छोड़ देना है, ठीक है, बचा का यहाँ से स्टार्टिंग मान लो हो रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये 2 लाइन को छोड़ देना है, ठीक है। सबसे पहले कहाँ से शुरू मान लो यहाँ से, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर एक, ठीक है, यहाँ से एक, यहाँ से पूरा यहाँ तक, पूरा यहाँ तक लिख देना ए लाइन तक, ठीक है। एक आ गया, 5 टू बनाना नोट, ठीक है। उसके बाद यहाँ से यहाँ 2 हो जाएगा, फिर उसके बाद यहाँ से यहाँ 3 हो जाएगा। मतलब बीच शुरू से ये नहीं कॉपी कर देना है, बीच बीच का कॉपी करके आपको लिख देना है, ठीक है। तो आपका नोट्स भी कंप्लीट हो जाएगा। आपको पता होगा कि नोट्स और पूरे पैसेज को पढ़ोगे, उसके बाद मेन टाइटल आप लोग फटाक से डाल दोगे, वो भी कंप्लीट, साथ साथ में पूरा पैसेज भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। बस पैसेज को अच्छे से समझ गया ना, जो समझ गया फंडा ना, मैं आपको बता दिया फंडा किस तरह से करना है। बीच बीच से उठा उठा के कर देना, बस टाइटल आपको समझ के करना पड़ेगा, ठीक है। टाइटल में मिस्टेक हो गया, नंबर पूरा ख़त्म, ठीक है। पूरा नहीं तो 1-2 नंबर मिल ही जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपका जाएगा, यहाँ पर एक नोट्स बनाने के लिए, नोटिस के लिए आ गया, नोटिस कर देना है। देखो ऐसे करके एक नोटिस रहती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर लिख देगा, यहाँ पर इम्पोर्टेंट नोटिस लिख देना, IMP नोटिस, ठीक है। उसके बाद में किसका बैग, बैग का यहाँ पे चित्र बना देना, झोला बना देना। अब उसके बाद इंग्लिश में लिख देना, प्लेग्राउंड में यहाँ पे बैग गिरा था, जिसी का वो कांटेक्ट कर सकता है, इन सर के पास आपका बैग है। सिंपल, इसमें आपको 4 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। उसके अलावा आपसे वो नहीं बनता तो आप लोग यहाँ पर पोस्टर बना सकते हो, डस्ट के ऊपर में जो बहुत कचरा वगैरह उड़ता है उसके लिए बना सकते हो। इसके अलावा 4थे नंबर पे आ जाएगा, आप अपने कलेक्टर के लिए, आप अपने ज़िला के कलेक्टर के लिए एक आवेदन दे सकते हो कि आपके जो भी आप सिटी में रहते हो, कॉलोनी में रहते हो, वहाँ पे डीजे का बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है, लाउड स्पीकर का बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है और आपको पढ़ाई में डिस्टर्ब हो रही है। उसके लिए आप वहाँ पर कंप्लेन कर सकते हो और वहाँ से रिसॉल्व तो किया ही जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके आपको कर देना है, ठीक है, सिंपल सा। उसके बाद आपको यहाँ पे आ जाएगा लास्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आ जाएगा 5वें नंबर पे, यहाँ पे एक पैराग्राफ बनाना है, ठीक है। पैराग्राफ आपको COVID-19 को उठा लेना है या फिर गेम एंड स्पोर्ट कर लेना। अगर ये भी नहीं बनता तो आते पे आपको हो जाएगा एक्सीडेंट का, ठीक है। मान लो आप कहीं पे मार्केट में बैठे हो, आपके सामने जस्ट एक्सीडेंट हो जाता है, एक्सीडेंट हो गया, 1-2 लोगों की मौत तो नहीं हुई लेकिन मतलब थोड़ा बहुत हादसा हो गया, चोट वोट लग गई, पैर वोट टूट गया, ठीक है। उसके बाद में बड़ा रिपोर्टर आ गया आपके पास, पूछेगा कि भैया यहाँ पे कैसे कैसे एक्सीडेंट हुआ। तो आप बताओगे कि सबसे पहले सामने वाला बाइक आ रहा था और पीछे से एक बाइक जा रही थी या फिर खड़ी थी और उधर से बहुत ही स्पीड से आया और ठोक दिया और गिर गए और तुरंत एक्सीडेंट हो गए, और कितने टाइम पर हुआ, कहाँ पर हुआ, लोकेशन भी बताना होगा। तो कुछ इस प्रकार से यही बताना कि मतलब एक्सीडेंट होने का सीन क्या था, किसकी गलती है, मतलब यही सब 3-4 टॉपिक में इंग्लिश में बताना है। मैं आपको हिंदी में बता दिया, आपको इंग्लिश में बताना है, बस सिंपल है ये। उसके बाद 6वां नंबर C पे ग्रामर आपका जाता है, ग्रामर पे IMA गोइंग टू बाय क्लॉथ सम हो जाएगा, मच हो जाएगा, तीसरे में ईच हो जाएगा, यहाँ पर आप लोग देख ही सकते हो, ठीक है। उसके बाद डू एस डायरेक्टेड आ जाता है,
डू एज डायरेक्टेड भी देख सकते हो, ठीक है। स्किप नहीं करना है आपको, पूरा का पूरा रियल क्वेश्चन पेपर है, आराम से सॉल्व करना है और आपको 80 में 80 लाना है, ठीक है। तो पूरे क्वेश्चन को देख लो, उसके बाद आपका नोट्स आ जाता है, नोट्स, ठीक है। नोट्स आपका मतलब टेस्ट बुक से आपका जो भी बुक है ना, बुक से आप क्वेश्चन आने लगे हैं तो इसको भी देख सकते हो। तो यहाँ पे आपका पहले का आपका हो जाएगा डी नंबर, दूसरे का आपका हो जाएगा सी नंबर, तीसरे का डी, चौथे का बी हो जाएगा, ठीक है। स्किप नहीं करना है आपको, पूरे क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर लेना है। पाँचवें नंबर पर डी हो जाएगा, आप लोग देख ही सकते हो। और उसके बाद नौवें नंबर पर आपका आ जाता है पैसेज आ जाता है, ठीक है। इस पैसेज को क्या करना है, पढ़ के आंसर देना है, ठीक है। तो इस पैसेज को भी कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद ए के बाद बी में आ जाता है, सेम पैसेज दिया, इनका आंसर देख सकते हो। पहले का आपका हो जाएगा, ठीक है, पहले का आपका सी हो जाएगा, अरे यार पहले का सी हो जाएगा, दूसरे का बी हो जाएगा, तीसरे का यहाँ पे लिखा हुआ है, देख ही सकते हो। तो ओके, तो यहाँ पे देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, फटाफट से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद में आप लोगों का बी का यहाँ पे सॉल्यूशन देखो, ए नंबर बी नंबर ए नंबर, ठीक है, कंप्लीट। उसके बाद हम लोग चलेंगे दसवें नंबर पे, दसवें नंबर पे आप लोगों से मतलब 7 क्वेश्चन दिए गए हैं, इसमें से 5 क्वेश्चन को करना है, ठीक है, तो इसको भी कर लेना। उसके बाद में आपको 11 नंबर पे भी आ जाता है वो सेम। और मैं आपको बता दूँ, रियल पेपर टेलीग्राम पे मैं अपलोड कर दिया हूँ विथ सॉल्यूशन के साथ में, फटाफट से टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, वहाँ पर मिलेगा। और 10 मिनट के अंदर में क्या पेपर डिलीट कर दिया जाएगा वहाँ से, क्योंकि एमपी बोर्ड बहुत ही ज़्यादा सतर्क हो चुका है। आपको पता नहीं होगा, मेरा जो चैनल का नाम है ना, वो पेपर में छप गया था कि ये भाई साहब पेपर को लीक करते हैं एमपी बोर्ड को मेंशन करके। तो भाई मैं, मेरा बहुत बड़ा रिस्क है, इसलिए मैं आपको बता दूं कि आप फटाफट से जाओ 10 मिनट के अंदर में जाके ज्वाइन करके फटाफट से ले लो, डाउनलोड कर लो, मैं डिलीट कर दूंगा। भाई यार इतना रिस्क मैं नहीं ले सकता, ठीक है। 15 नंबर पे पूरे क्वेश्चन कम्प्लीट हो गए, आप लोग देख सकते हो। जाओ फटाफट से टेलीग्राम पर ज्वाइन करके पेपर को डाउनलोड कर लो, ठीक है, पूरा रियल पेपर आंसर क्वेश्चंस के साथ। चलो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।